किए हुए अपने अपने प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें और हम ऊर्जावान करने की कृपा करें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। मंच पर विराजमान हम सबके लोकप्रिय नेता, परिश्रमी, ईमानदार और कर्मठ, चार साल में एक दिन का छुट्टी नहीं है और पिता के देहांत पर भी एक दिन की छुट्टी नहीं है। ऐसा नेतृत्व केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस प्रकार के नेतृत्व केवल भारतीय जनता पार्टी के पास होता है। ऐसे अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में पूरे देश भर में चाहे किसी राज्य का चुनाव हो, सोशल मीडिया के योद्धा जो काम करते हैं, ऐसे आदरणीय अमित मालवी जी, हमारे कामेश्वर मिश्र जी, हिमांशु राज जी, मांगीलाल जी, सौरभ जी, हर्ष चतुर्वेदी, शशि कुमार जी, और मैं अंकित से कहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। फोटो तो हम सब एक पवित्र संगठन के योद्धा हैं। हमारा एक गौरवशाली इतिहास है। जिस पार्टी में हम सब काम करते हैं, हमारे ऐसे पूर्वज हैं जिनके नाम से, जिनकी चर्चा से पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में सम्मान मिलता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ का नींव रखे थे और सदन के अंदर राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए संघर्ष करते रह गए, लेकिन नेहरू ने नहीं सुना। बाहर उनके मित्रों ने समझाया कि पंडित जी अब संदन में नहीं हो रहा है तो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। अंत में पूज्य गुरुजी द्वितीय सर संचालक ने पत्र लिखकर भेजा कि पंडित जी अपना आंदोलन वापस लीजिए, लेकिन नहीं माने मित्रों। दो विधान, दो निशान, दो संविधान के लिए उन्होंने कश्मीर में मार्च किया, गिरफ्तारी हुई और 23 जून 1953 को नौजवान शहादत दे दिया। उस पार्टी के सदस्य, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने कंधों पर लेकर निकले इस यात्रा को, जिसका व्यक्तित्व, कृतित्व, जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, वह नौजवान को लखनऊ के स्टेशन पर राम प्रकाश गुप्त ट्रेन में बैठाते हैं। अश्विनी जी से लग पटना में इंतजार कर रहे थे बड़े बड़े नेता, लेकिन वो नौजवान नहीं पहुंचा। मुगलसराय स्टेशन पर हत्या कर दी गई। मित्रों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेते ही हम गौरव का महसूस करते हैं। उस पार्टी के हम सब कार्यकर्ता, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मित्रों, हम छोटे मोटे दल के नहीं हैं, इस राष्ट्र को बनाने के लिए निकले हैं, इस देश को संभालने के लिए निकले हैं। हम छोटे दल के नहीं हैं कार्यकर्ता। जब पंडित दीन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देखने गए, मित्रों, कहे सूर्य ढल गया, तारों की रोशनी में ही मार ढूंढना होगा। अटल जी ने पहले अधिवेशन में जब 2 सीटें थी, उन्होंने कहा अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी काम करते हुए यहां तक पहुंचे। मित्रों, पार्टी का कार्यकर्ता निर्माण के भूमिका में होता है और प्रतिदिन कार्यकर्ता का निर्माण होता है।
कार्यकर्ता चेला नहीं होता है मित्रों, कि कोई कार्यकर्ता से ऑर्डर दे दो जिला संयोजक के नाते ये दो पुड़िया गुटका लेते आओ, नहीं, कल का वो मोदी है, कल का योगी है। वह चेला नहीं है मित्रों, ये सपा नहीं है, बसपा नहीं है, कांग्रेस नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी जैसा पवित्र संगठन है जिसको ऋषि मुनियों ने पार्टी बनाया, उस पार्टी के हम सदस्य। एक चाय बेचने वाला अपना जीवन निकाला, यात्रा शुरू किया, अपने परिवार के लिए मकान नहीं दिया मित्रों, ना 5 लाख रुपया दिया, लेकिन दलित शोषित वंचित आदिवासी मुसहर जो गरीब है उसके लिए सब कुछ दिया, और पार्टी का सम्मान बचाने के लिए भी काम किया। एक एक दिन, एक एक पग देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं, उस पार्टी की हम सब कार्यकर्ता हैं। मेरा गौरवशाली इतिहास है, हमारे पूर्वज तपस्या करके गए हैं, उस पार्टी के हम सदस्य हैं, और कल आपको ही इस पार्टी को बनाना है। इसी तरह राज्य के अंदर मेरा नेतृत्व, इस राज्य के अंदर अमित भाई ने विषय रखा होगा, सुनील जी ने विषय रखा होगा, आपको बड़ा नेता बनना है, आपको अच्छा कार्यकर्ता बनना है, गांव में कार्यकर्ता का निर्माण करना है, आपको टोली बनाना है, आपको बैठक लेना है, आपको दिशा देना है। आप ही तो हमारे मोदी योगी हैं, कहां से हम पकड़ कर लाएंगे गांव में, आप ही तो हैं मित्रों मेरे। उस गांव में कार्यकर्ता का निर्माण कौन करेगा? एक बार अटल जी थक गए थे, अटल जी जा नहीं रहे थे, कार्यालय में बैठे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्टोव जलाकर 2 रोटी बनाए, जान गए थे पंडित जी भूखे हैं। तब दूसरे दिन आसाम में गए, और आसाम बॉम्बे में गए, और बॉम्बे से भाषण देकर आए तो सेठ ने 50 रुपये जेब में डाल दिया था। उसने पंडित जी को फोन किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, बोले नहीं तुम्हारा पैसा सेठ ने दे दिया था 50 रुपया, वह कार्यालय में जमा कर दिया। इस प्रकार पार्टी यहां पहुंची है मित्रों। सपा तो चाहती है कि आतंकवाद का राज हो जाए, वो चाहते हैं कि सीमी का शासन हो जाए, वो तो चाहते हैं गुंडों का राज हो जाए। वो आदरणीय योगी जी के आने के बाद गुंडे पलायन किए पहली बार इस राज्य के अंदर, और सीना तान के ठोक के बोल सकते हो कि मेरा नेतृत्व ईमानदार है, देश का भी प्रदेश का। 1 रुपये की आरोप लगा दोगे मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, ये बोल सकते हो मित्रों। नियुक्तियों में भी सीएफआई की सूची जाती थी, लेकिन योगी सरकार की सूची नहीं गई मित्रों। 4 लाख भर्तियों में जातिवाद नहीं देखा गया, क्षेत्रवाद नहीं देखा गया, व्यक्ति नहीं योग्यता नियुक्तियां मिली हमें। ये आपकी सरकार है, सीना ठोक कर सकते हो कि हमारे पूर्वज इस देश को कुछ दिए हैं आजादी के बाद, बाकी वंशवादियों की पार्टी है, केवल राज्य को लूटने के आए हैं। जिस मंच पर खड़ा हो और जहां भी खड़ा हो, आप शेर हो, भारतीय जनता पार्टी में शेर पलते हैं मित्र, सियार नहीं पलते। आप शेर हो और शेर जैसा चाल और ढाल मित्रों, और सीना ठोक कर कहो, और 2022 आपके बदौलत चुनाव जीतना है, आपके दम पर चुनाव जीतना है, और आपके कारण जीतना है मित्रों। इसलिए सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर। सोचो तो ठंडा सोचो, मीठा बोलो हमेशा, कड़वा नहीं, सीने में आग, भारत माता के लिए आग। तुम भारत माँ को डाइन कहोगे और योगी जी जेल भी नहीं भेजेंगे? भारत माँ आग, सीने में आग मित्रों, इस राष्ट्र के लिए, जात के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, वंशवाद के लिए नहीं, सिनेमा आग इस राष्ट्र के लिए जलना चाहिए और भारत माँ के लिए जलना चाहिए। और पैर में चक्कर, चरैवेति चरैवेति, जब तक पूरे हिंदुस्तान में जय जय श्री राम का नारा न लग जाए,
वंदे मातरम का नारा न लगे और भारत माता की जय तब तक चलती रहना है। यदि कोई कष्ट भी दे दे, कोई डांट दे, तो मेरी पार्टी नहीं है मित्रों कि मेरे से नाराज होकर घर बैठ गए। कभी कभी अपमान कर देता है नेता, तो यानी मेरी ये पार्टी ऐसा नहीं कि मेरी ये पार्टी है, ये तो 2 साल के लिए मैं आया हूं, ये आपकी पार्टी है, अपनी पार्टी है। इसलिए मेरा आचरण व्यवहार खराब हो सकता है, लेकिन अपना आचरण व्यवहार ठीक रखना है मित्रों। इसलिए किसी से नाराज नहीं होना, ये आपकी पार्टी है। कल आप मंच के नेता हैं, 10 साल बाद आप नेतृत्व करोगे, इसलिए ये आपकी पार्टी है। इसलिए ठंडे दिमाग, मीठा आग, पैर में चक्कर, चरे वेती चरे, जब तक बूथ तक समितियां ना बन जाए व्हाट्सएप ग्रुप, तब तक चलते रहना है, विश्राम नहीं लेना है। और व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए और आप संतुष्ट हो जाए, तब मान लेना कि आप नेता हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने अपने ओजस्वी तेजस्वी भाषण से